आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मथुरा के थाना कोतवाली इलाके के मनोहरपुरा में जाट समाज के 182 परिवारों ने समाज छोड़कर मुस्लिम धर्म में परिवर्तन की चेतावनी दी है। आरोप है कि कुछ लोगों ने 200 साल पुरानी जगह और वहां बने मंदिर को कब्जाने का प्रयास किया, जिससे जाट समाज के लोगों में खासा आक्रोश है। जाट समाज के लोगों का कहना है कि अगर उनके साथ खिलवाड़ हुआ तो अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। ये हमारा 200 साल पुराना मंदिर है, बाबा साहब का पार्क है, इसमें शिव मंदिर है और लड्डू गोपाल मंदिर है, बाबा की समाधि है, इसमें 15 दुकानें हैं, एक बरामदा है। यहाँ पे बैठे हैं सभी लोग, इस समाज से हैं और क्यों करना चाहते हैं धर्म को? हम जाटो समाज से हैं, जब हमारी अस्थाई खत्म हो जाएगी, हमारे पुरखाओं के पृथ्वी यहाँ से हटा दिए जाएंगे, इनका भूमाफी द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा, तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? इस धर्म में रहकर हम क्या करेंगे? इससे तो हम धर्म परिवर्तन ही कर लें। तो हमारी आस्था के पुरखा दादाओं के हमारे यहाँ से मंदिर खत्म कर जा रहे हैं, उनके स्थान खत्म करते जा रहे हैं, तो हम इस धर्म में रहकर करेंगे क्या? इससे तो हम मुस्लिम धर्म अपना लें, कम से उनमें प्यार प्रेम से आपस में पड़ोस में रह तो सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित पूर्व सांसद और मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रामप्रसाद चौधरी ने 2 दर्जन से ज्यादा समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सपा कार्यालय में मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे नए साल का तोहफा बताया। अखिलेश ने कहा कि अब प्रदेश में सपा को और मजबूती मिलेगी। शाहजहांपुर में कबाड़ की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के चार खंबा स्थित न्यू यूपी स्क्रैप ट्रेडर्स का है। अचानक लगी इस आग से करीब 10 लाख का नुकसान की बात कही जा रही है। दुकान मालिक को आशंका है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। शाहजहांपुर के जेल रोड स्थित पोस्टमार्टम हाउस कर्मचारी के घर के सामने एक दबंग युवक ने देसी तमंचे से फायरिंग कर दहशत फैलाई, जिसका फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दिन दहाड़े दबंगों ने फायरिंग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झांसी के मौरानीपुर में बुंदेलखंड का किसान प्राकृतिक आपदा की मार तो झेल ही रहा है, लेकिन सरकारी विभागों की उदासीनता की मार किसानों को तोड़ देती है। ताजा मामला पहाड़ी बांध सबरार प्रखंड का है, जहां सिंचाई विभाग की लापरवाही से किसानों की 100 एकड़ रबी की फसल डूब गई, जिससे किसान सदमे में आ गया है। फतेहपुर जिले के थनियाव थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय मासूम के साथ पड़ोस के युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और एक कोठरी के अंदर रेप किया। परिजनों ने बच्ची को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित आबूनगर मोहल्ले में बीएससी की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्रा का शव घर के बाथरूम से बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि परिजन छात्रा का शव बिना पुलिस को बताए अस्पताल से लेकर जा रहे थे, लेकिन गले में चोट देखकर डॉक्टर ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। अमरोहा के एसपी कार्यालय परिसर में बने नारी उत्थान केंद्र के अंदर दुष्कर्म के आरोपी की शादी रेप पीड़िता के साथ कराई गई। इस दौरान दोनों परिवारों के लोग शादी के गवाह बने। पूरा मामला थाना हसनपुर क्षेत्र से जुड़ा है, जहां की रहने वाली पीड़िता ने युवक के खिलाफ 15 दिन पहले लंबे समय तक रेप करने की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं अब दोनों पक्षों के बीच सुलह कराकर रेप पीड़िता और आरोपी की शादी करा दी गई। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों के सवालों के जवाब दिए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेवाड़ी के सभी स्कूलों में किया गया। रेवाड़ी के भी 3 बच्चों का चयन प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए किया गया था। पीएम को सुनने के बाद बच्चों ने कहा कि उनका मनोबल बढ़ा है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।